वेलकम टू द सौरभ आर्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों, देखो मैंने आज नेचर पे एक ड्रॉ बना रही हूँ मैं। देखो जिस तरह मैंने एक पर्वत बनाया, वहाँ से एक साइड से एक राउंडेड शेप में शिखर बनाया, ठीक है। अब देखो मैंने ये ट्रायंगल शेप में हाउस यानी कि घर का शेप बनाया है, जिस तरह मैंने चारों ओर से उनको राउंडेड करके उनको सरफेस एरिया में कवर कर दिया है, जिससे कि वो एक घर का शेप बन गया, मतलब परफेक्ट घर बन गया। अब देखो मैंने साइड पे एक ट्री का शेप निकाला है, ट्री का एक लंबा एरो करके। अब देखो मैंने ऊपर पत्तियाँ, झप्पेदार पत्तियाँ बनाया है और नीचे देखो साइड पे घास बनाया है, घास रोल बनाया है। अब मैंने ये घर के ऊपर हल्का सा साइड में एक पेड़ नज़र आ रहा है, वो दर्शाया गया है। और हमने घर के साइड से हमने एक लकड़ी का रोल जैसे बनाया है, जो हमारे घर के चारों ओर को कवर करके रखता है, मतलब एक तरह से वो कवर कर रहा है हमारे सरफेस एरिया को। अब हमने देखो राउंड शेप में एक सूरज बनाया है, जिसमें हमने उसमें आँख और मुंह बनाया है। और देखो कितना एक अलग ही यूनिक ही लग रहा है ना, देखो बच्चों कितना प्यारा लग रहा है देखने में। अब देखो हमने एक ब्लैक स्केच पेन लिया है, जिससे हम उनको आउटलाइन करेंगे, जितने भी ड्रॉ किए हैं, जितने भी पेंसिल से ड्रॉ किए हैं, धीरे धीरे इनको अब जो ड्रॉ हुआ है उनको फिर से डबल ड्रॉ करना है स्केच की मदद से। अब देखो हमारा पेंटिंग कितना प्यारा लगने लगा है, एक यूनिक नज़र आ रहा है, एकदम यूनिक कलर जैसे नज़र आ रहा है। देखो अब हमने ये घास बना रहे हैं, ये पत्तियों को धीरे से सफाई से ही इनको डार्क करना है। अब देखो हमने ये घर को कैसे किस तरह से धीरे 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 हमने बराबर मात्राओं में एक आउटलाइन किया है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर और यूनिक, एक सिंपल सा यूनिक ड्राइंग नज़र आ रहा है। इस तरह से हमारा ये ब्लैक आउटलाइन का ये कंप्लीट होने वाला है। देखो ये हमने नीचे घास, छोटे छोटे पत्तीदार घास बनाया है और ये ऊपर के घास तैयार हो चुके हैं। अब देखो हमने किस तरह से हम सन को आउटलाइन कर रहे हैं, स्माइली सन। ये लग रहा है ना हमारा पेंटिंग थोड़ा यूनिक। अब जो पेंसिल से बना हुआ था उनको मिटा देना है। अब देखो हमने किस तरह से हम देखो कलर कर रहे हैं, कलर करना स्टार्ट कर दिया है। देखो हमने इसमें येलो कलर किया है, येलो कलर कर रहे हैं। जो नेचर है, जो हमारा पर्यावरण है, वहाँ उसमें मतलब एक येलो कलर, मतलब जो नेचर होता है हमारा नेचुरल सा, उनमें हम ये देखो हमने पीला कलर यूज़ किया। अब देखो हमारे जो ज़मीन में घास वगैरह होते हैं उनमें हरा कलर से हल्का हल्का हरा रंग भरना है, जो हमारा नेचर का रंग होता है हरा। देखो हमने किस तरह से ये हरा रंग को मतलब पीले में और हरा रंग दोनों ज्वाइन करके किया है, कितना प्यारा लग रहा है। अब देखो हमने घर को एक ऑरेंज कलर से कलर किया है। देखो मल्टी कलर से मतलब हमने किस तरह से ये घर को भी एक अलग मोड से ड्रॉ किया है, यूनिक लग रहा है जिस तरह, देखिए। अब हमने ट्री को अब ये ग्रीन कलर में कलर कर रहे हैं, ये बड़ा ट्री है जो उसको भी ग्रीन में ही करना है, धीरे से ही करना, सरफेस अबाउट एरिया में ही करना। देखो मैं हमने पीला पीला हल्का हल्का पीला रंग का छिड़काव किया है, जिससे कि वो पेड़ का रंग अलग ही यूनिक ही नज़र आ रहा है। अब हम उसके पेड़ के जो लकड़ी वाले हिस्से होते हैं उनको कत्था कलर से करना है, भूरे रंग से। अब देखिए नीचे का हिस्सा हमने एक लाल कलर से कर दिया है, बचे घास बगल वाले घास को भी हरा कलर से कर दिया है, जिस तरह से हमारा नेचर कंप्लीट होने वाला है, नेचर का ड्राइंग। देखिए किस तरह से यूनिक लग रहा है हमारा ड्राइंग। देखिए बच्चों, इस तरह से आप अपने तरीके से भी एक सिंपल से यूनिक ड्राइंग बना सकते हैं। देखिए अब हमने पर्वत को किस तरह से हम एक बैगनी कलर में रंग रंगा है, देखिए किस तरह से ये पिक्चर इतना लुक शाइन कर रहा है।
इस ड्राइंग का नज़रिया ही बदल गया पूरा, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए अब जो शिखर इधर शिखर से साइड से जो बनाया था पर्वत से जो, वो एक झील का नज़ारा दे रहा है जो हमने नीले रंग से कवर किया है। अब देखिए हमारे नेचर्स में, नेचुरल नेचर्स में आसमान तो नीले रंग का होता है, जिससे हमने अबाउट जितने एरिया बचे थे आसमान के उसको नीले रंग से कवर कर दिया है। इस तरह देखिए हमारा पेंटिंग तैयार हो चुका है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन बटन है उनको दबाना ना भूलेगा। थैंक यू।